शोएब अख्तर को कौन नहीं जानता, लेकिन आपको पता है शोएब से पहले भी हमारे पास एक बॉलर था फास्ट एंड फ्यूरियस, नाम था मोहम्मद जाहिद, जो आज ही के दिन यानी 2 अगस्त को पैदा हुए। दिसंबर 96 में पहला टेस्ट मैच खेला, पहली इनिंग में 4 विकेट ली और दूसरी में तो कमाल ही कर दिया, 7 विकेटों के साथ डेब्यू मैच में किए 11 शिकार। ये पहला और आखिरी मौका था कि किसी पाकिस्तानी बॉलर ने डेब्यू में 10 से ज्यादा विकेट ली हो। जाहिद ने बहुत ऊंचा उड़ना था, लेकिन किस्मत देखें, उड़ते ही पर कट गए। उनके बॉलिंग एक्शन को बेहतर बनाने की जरूरत थी, लेकिन नहीं बनाया गया और उन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। ऑपरेशन हुआ और करियर को लगा पहला धचका, फिर जख्मी होते रहे, इन आउट चलता रहा। आखिरी बार 2003 में साउथ अफ्रीका में खेले, वो मोहम्मद जाहिद नहीं उनकी परछाई थी। एक मैं आंसू पोंछ, करियर खत्म हो गया 5 टेस्ट और 11 वनडे में 25 विकेटों के साथ। फिर क्या हुआ, और फिर पाकिस्तानी टीम में आया शोएब अख्तर। आज भी सोचता हूँ अगर मोहम्मद जाहिद और शोएब अख्तर साथ खेलते तो क्या होता, कमाल होता।